हेलो एवरीवन वेलकम टू रीगल क्लासेस टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हियर एंड बूचो आर टू स्टूडेंट्स हु वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन और उनके अंकल एक फार्मर है वहाँ पे उन्होंने एक दिन कई सारे टूल्स देखे जैसे कि खुरपी सिकल शॉवेल प्लॉ एक्सेट्रा उनके फोटोग्राफ्स यहाँ पर मैंने बाजू में रखे वो देखकर कर को एक सवाल हुआ कि हम ये सारे टूल्स कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में और हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए और प्लांट्स अपना फूड खुद से बना सकते हैं कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स इन थे ओन फूड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आपको पता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स उसी से अपना फूड बनाते हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एनिमल्स और हम ह्यूमंस ये फूड खुद से नहीं बना सकते सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ बूझों को कि ये फूड हमें कहाँ से मिलता है बट उससे पहले हमें और एक क्वेश्चन का आंसर लेना है जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड कि हमें फूड क्यों चाहिए खाने के लिए तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट दैर वेरियस बॉडी फंक्शंस एज डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सरेशन तो हमें फूड इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें से हमें एनर्जी मिलती है हमारे सारे डेली जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए जैसे कि डाइजेशन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ हमें हमारा फूड प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से या फिर दोनों से मिलते हैं सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्जर नंबर ऑफ़ पीपल इन आवर कंट्री बूझों को क्वेश्चन हुआ कि अगर हम सबको फूड चाहिए तो हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं उन्हें हम कैसे फूड देते हैं उसका आंसर भी हम देखते हैं यहाँ पे वो है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल मतलब कि हमें फूड ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी मतलब फूड ज़्यादा लोगों को देने के लिए हमें उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है मतलब कि उसे साल में तीन चार बार उगाना पड़ता है फिर प्रॉपर मैनेजमेंट इसका मतलब है हमें उसकी सही से देखभाल करनी पड़ती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ता है फिर आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तो टेन थाउजेंड बी सी ई यहाँ पे बी सी का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा पीपल वर नोमेडिक ये नोमेडिक का मीनिंग है कि पहले के ज़माने के लोग यहाँ से वहाँ फूड और शेल्टर की खोज में घूमते रहते थे और वो लोग रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे रॉ मतलब कि कच्चे एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स और फिर वो एनिमल्स को भी हंट करके खाते थे लेटर दे गुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स फिर वो लोग धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उगाने लगे और दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर फिर वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप जब कोई एक ही तरह का प्लांट ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं तो उसे फिर हम क्रॉप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट मतलब कि हमने एक जगह पे वीट ग्रो किया है ज़्यादा अमाउंट में तो फिर उसे वीट का क्रॉप बोलते हैं यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अलग अलग टाइप के होते हैं दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो मतलब कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है उसके बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं इंडिया इज अ वास्ट कंट्री द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर मतलब यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है सो so, सब सारी जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर जो एयर में रहता है वो भी अलग होता है और रेनफॉल भी अलग अलग टाइम पे होता है सो अकॉर्डिंगली देर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्नस कैन बी आइडेंटिफाइड इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद दो पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स मतलब जो हम रेनी सीजन में उगाते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं द रेनी सीज़न इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर और जो रेनी सीज़न है वो जनरली जून से सितंबर तक होती है और कौन सा कौन सा है खरीफ क्रॉप्स पैडी मेज़ सोयाबीन ग्राउंडनट एंड कॉटन ये सारे खरीफ क्रॉप्स है अब रबी क्रॉप्स दो क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन मतलब जो सारे क्रॉप्स हम विंटर सीजन में उगाते हैं जो है अक्टूबर से मार्च तक उसे रबी क्रॉप्स बोलते हैं और उनके एग्जाम्पल्स है वीट ग्राम पी मस्टर्ड एंड लिंसिड। बिसाइड दिस पल्सिस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस और वेजिटेबल्स और पल्सिस साथ में समर में उगाए जाते हैं नाउ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन अब हम देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है बूजों को और एक सवाल होता है कि वाई पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन कि पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते तो पहले उसे आंसर देती है कि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसलिए उसे रेनी सीजन में ही ग्रो करना पड़ता है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है फार्मर को यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू कैरीड आउट अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ हमने किसी गार्डनर को करते हुए भी देखा होगा और हम जो शो के लिए अपने घर पे उगाते हैं वो प्लांट्स में भी किया होता है दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं उनके नाम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सेकेंड सोइंग थर्ड एडिंग मैन्य एंड फर्टिलाइजर्स फोर्थ इरीगेशन फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्राम वीड्स सिक्स हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ स्टोरेज इन सब को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू